नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनीष कारी। आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। आज की इस वीडियो में मिग्रोनोल ड्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। ड्रॉप्स 19 के नाम से ये दवाई आती है, हसलाइफ फार्मा कंपनी से बनाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, किन बीमारियों में और किन लक्षणों में दवाई असरदार रहती है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को माइग्रेन के पेशेंट में दिया जाता है, माइग्रेन सीवियर कंडीशन का हो या माइल्ड हो तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है, माइग्रेन को कंट्रोल करने में मददगार रहती है। माइग्रेन के कारण आए सिर दर्द या नोजिया को कंट्रोल करती है। पेशेंट को अगर नोजियाटिक फील हो रहा है या वोमिटिंग भी अगर लग रही है, माइग्रेन के पेन में अगर पेशेंट को सिर में इतना ज़्यादा दर्द होता है कि उसे देखने में भी परेशानी आ रही है, लाइट से परेशानी है, नॉइज़ से परेशानी है, यानी आवाज़ और रोशनी से उसका दर्द बढ़ता है, आँखों में पेशेंट के पानी चलता रहता है, तो ऐसे माइग्रेन में ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। क्योंकि इसमें 3 दवाई ऐसी डाली गई हैं जो होम्योपैथी में पेशेंट को माइग्रेन के लिए दी जाती है। तीनों के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स इन दवाइयों के मिलते हैं। चलिए अब जानते हैं कि कौन सी होम्योपैथी दवाइयाँ डाली गई हैं, क्या इनके लक्षण हैं। सबसे पहले आयरिस दवाई के बारे में बात करते हैं। आयरिस एक ऐसी मेडिसिन है जो पेशेंट को माइग्रेन में तब दी जाती है जब पेशेंट को नोजिया भी रहता है या वोमिटिंग की शिकायत रहती है या छाती में बर्निंग सेंसेशन एसिडिटी के कारण रहती है। वैसे तो ये सिम्टम्स कभी भी आ सकते हैं, लेकिन खासतौर पर इनके सिम्टम्स आते हैं सुबह के टाइम। सुबह के समय पेशेंट को एसिडिटी बनती है, नोजियाटिक पेशेंट फील करता है, सिर दर्द की शिकायत रहती है। अगली दवाई की बात करें तो सिमसिकोगा डाली गई है। पेशेंट को सिर दर्द तब होता है जब रोशनी या आवाज़ से पेशेंट को परेशानी होती है, ये दर्द तब बढ़ता है। ऐसे लक्षणों में सिमसिकोगा बहुत इफेक्टिव रहती है। सैंग्यूनेरी अगली दवाई डाली गई है। हेडेक में बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलते हैं। सैंग्यूनेरिया पेशेंट को तब दी जाती है जब राइट साइड के हिस्से में सिर दर्द की शिकायत आती है, साथ में पेशेंट को नोजिया या वोमिटिंग की भी शिकायत आ रही है, और जहां तक देखा जाता है कि पेशेंट को ये सिम्टम्स शाम के समय या खुली हवा में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जब पेशेंट रिलीफ करता है या आराम करता है तब उसको ये सिम्टम्स कम आने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे लक्षणों में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। अब ये तीनों का कॉम्बिनेशन है जो माइग्रेन को ठीक करने का काम करती है। अब जानते हैं कि ड्रॉप्स 19 को लिया कैसे जाए, यानी इसकी डोजेस होती क्या है। जो इसकी कॉमन डोज है 5 to 10 ड्रॉप्स थोड़े पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार आप पेशेंट को दे सकते हैं। अगर आप खुद पेशेंट हैं तो ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आपका पुराना माइग्रेन है, क्रोनिक माइग्रेन है, तो अपने होम्योपैथी डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिल लें, उनकी सलाह ले लें कि क्या ये दवाई आपके लिए सही रहेगी। नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों क्रोनिक केस में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट लेना होगा, कुछ होम्योपैथी दवाई आपको दी जाएंगी जो आपके लिए सुटेबल रहेगी। एक पेटेंट मेडिसिन है, सभी को सूट कई बार नहीं भी आती है, तो ऐसे केस में आप डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज की सलाह ले सकते हैं।